शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है अनेक मीन्स एक से ज्यादा शब्द, तो अनेक यानी एक से ज्यादा शब्दों के लिए एक शब्द। अब यहां देखिए, जो शब्द वाक्यांश के लिए उसी के समान अर्थ प्रकट करें वह वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे ये पूरा वाक्यांश है उसके लिए एक ही अर्थ प्रकट हो रहा है तो वो है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब यहाँ कुछ उदाहरण देखिए, जो अपनी बात से न डरे, मतलब जो बात उसने कह दी है अगर कोई भी उससे पूछे तो वो उस बात से नहीं डरे, उसे बोलते हैं अटल। अब जैसे मैंने आपको एक शब्द दे दिया अटल, अब इसके लिए आपको अनेक शब्द लिखने हैं तो आप क्या लिख देंगे, जो अपनी बात से न टले। अगर आपसे शब्द लिया जाए तो आप शब्द लिखेंगे, और आपसे बोला जाए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो तो आप लिख देंगे अटल। नेक्स्ट है, जो अपनी जगह से न डिगे, मतलब जो उसकी स्पेस है वो वहां से न मिले, तो उसे बोलते हैं हम अडिग। नेक्स्ट, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, मतलब आपके घर में जो व्यक्ति आ रहा है उसके आने का समय आपको याद ना हो तो उसे बोलेंगे हम अतिथि, जिसके आने की तिथि हमें पता नहीं हो। नेक्स्ट है, प्रतिदिन होने वाला, प्रतिदिन मीन्स डेली, आपके घर में डेली न्यूज़पेपर आता है तो उसका नाम क्या है, दैनिक भास्कर, मतलब दैनिक आने वाला, भास्कर मीन्स सूरज के उगने पर, दैनिक आने वाला, तो प्रतिदिन होने वाला मीन्स दैनिक, जो डेली होता है। नेक्स्ट, 100 वर्षों की अवधि, मतलब 100 साल, वर्ष में साल, 100 सालों की अवधि यानी समय को हम बोलते हैं शताब्दी। क्या बोलते हैं, शताब्दी। अगर आपको एक शब्द दे दिया जाए शताब्दी और आपसे कहा जाए कि अनेक शब्द इसके लिए आप लिखिए तो आप क्या लिखेंगे, 100 वर्षों की अवधि। ठीक है। नेक्स्ट है, जिसका अंत ना हो, मतलब कि वो खत्म ना हो, उसे बोलते हैं अनंत। नभ में घूमने वाला, नभ मीन्स आकाश, उसको बोलते हैं हम नभचर, यानी पक्षी आपने देखे आकाश में घूमते हैं तो वो क्या है, नभचर। जल में रहने वाला, जो जल यानी पानी के अंदर रहता है, जैसे हम देखते हैं फिश यानी मछली पानी के अंदर ही रहती है, बहुत सारे और जानवर भी रहते हैं तो वो क्या है, जलचर, वो जल में ही रहते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष में एक बार होने वाला, वर्ष में पूरा एक साल, पूरे एक साल में होने वाला, उसे हम बोलते हैं वार्षिक। जैसे आपके विद्यालय में पूरे साल में उत्सव होता है एक वार्षिक उत्सव, तो उसे क्या नाम दिया है, वार्षिक उत्सव, क्योंकि वो पूरे एक वर्ष में एक बार होता है। जो पत्र बांटने का काम,